परफेक्ट है। फाइनली इट्स डे 3 एंड वी आर पुशिंग बैक टू अवर होम। सो टाइम इज 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वी हैव टू राइड ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सो आवर टारगेटेड टाइम इज टू रीच बाय 4 or 5 ओनली, बिकॉज आते समय भी हमें 6 बजे निकलने के बाद 5 बज गए थे, तो वाइल मूविंग बैक तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो वी विल रीच एट अ टारगेटेड टाइम। सो लेट्स वार्म अप द बाइक। This is the breakout. So this is the place where we stay, SKMVN. It's a government undertaking resort basically. So food is good, so you can come. एक डेडिकेट वीडियो मैंने कल बनाया था इसके ऊपर। बाकी इट्स अ गुड लोकेशन बिकॉज इट्स इज बिटवीन द कैंटोनमेंट एरिया ओनली, तो कैंटोनमेंट एरिया काफ़ी साफ नीट एंड क्लीन होता है और क्राउडेड भी नहीं होता, तो दिस इज़ नॉट क्राउडेड, तो यू कैन रोम अराउंड ऑल्सो, इट्स अ गुड प्लेस। ट्रैक भी है यहाँ पे अच्छा खासा, तो देर इज नो प्रॉब्लम। सो वी विल लीव इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, बस पीपल आर गेटिंग सेटलिंग अप, चलते हैं। बट ओवरऑल द ट्रिप इज गुड, दिस मशीन इज अल्टीमेट। That's the entire convoy. Ayon, then Vinay, then Dhiraji, then Kartike, then we have Nitin, then Varun, and Suvashis is leading the entire convoy. देखने में इतना अच्छा लगता है ना, इतना visualize कि मतलब everybody is running in a same lane, single profile. While riding in a convoy, na it is the safest way to ride. तो इसमें क्या होता है ना, वी हैव वन लीड, सुभाषीज लीड कर रहा है, ही इज एट द फ्रंट, तो उसको कोई भी मैसेज होगा ना तो ही कम्युनिकेट एट द एंड, और सब इक्वी डिस्टेंस पे 25 मीटर के पे चल रहे हैं क्रॉस, वी कैन बस यू जस्ट नीड टू सी कि फ्रंट वाला एंड द रियर वाला इन द रियर व्यू मिरर, जस्ट कीप ऑन राइडिंग एंड दिस इज द सेफेस्ट वे टू राइड। अगर आप नए राइडर हो ना एंड यू आर राइडिंग इन अ कन्वॉय, थोड़ा सा बेसिक चेक करके ना राइडिंग दिस वे, यू नेवर गेट फॉल, यू नेवर गेट बम्प्ड, and you feel so confident while riding this way. Second thing is ki apna Sena intercom is very good. Ab koi bhi intercom use karo but it's very good. So you always get connected with everyone. Jaisa bhi lead hai, I'm connected with the lead and I'm at the tail. To lead jo bhi message convey karega sab to sunenge obviously, even I cannot get to know. Although ko lead dikh nahi raha but still I can get to know ki wo kya bolna chahta hai. We have to stop, we have to रन, जो भी कुछ है, वाटर ब्रेक, पी ब्रेक, सब पता चल जाता है। तो मतलब कन्वॉय में, ग्रुप में, इट्स टू सेफ टू राइड। द ओनली चैलेंज इज कि भैया टाइम कंसर्न इज देयर, वो सोलो राइडिंग में है तो आप चल सकते हो जैसा जैसा मन है, कम धीरे तेज, स्टॉप वेयर एवर यू वांट टू स्टॉप, बट इन द कन्वॉय यू हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरीवन। That's why, मतलब राइडिंग इन अ कन्वॉय इज़ अ सेफर देन द सोलो। फाइनली वी रीच भवाली, यहाँ से वी हैव टू टेक अ कॉल कि हमें रामपुर से जाएंगे या नैनीताल से जाएंगे। अगर रामपुर वाले में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा तो देन वी विल गो थ्रू नैनीताल। तो सो फार वी कवर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर का स्ट्रैच इज़ टू गुड, बट आफ्टर दिस ना एल्मोड़ा वाला जो कट है उसके बाद से रोड इज़ गेटिंग वर्स्ट। बीच में काफ़ी पैचेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो मतलब अभी तो खैर बारिश वारिश कुछ नहीं है तो वी कैन सी, थोड़ी बारिश वगैरह हो जाए उन खड्डों में, अगर पानी भर जाए तो दैट बिकम वेरी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, मतलब दिस पिट्स आर सो डीप।
चुके हैं काठ गोदाम और यहाँ पर है सीरस वाला ट्रैफिक जैम। तो आगे भी पूरा जैम दिखा रहा है। ये मेरे ख्याल से लास्ट स्ट्रेच होगा जहाँ पे ये ट्रैफिक जैम होगा। थिंक कुछ ब्रिज की कंस्ट्रक्शन या कुछ है बिकॉज ऑफ दैट इतना ट्रैफिक है। कुछ सी व्हाट्स हैपनिंग। There is a construction for the bridge going on because of that इतना traffic है। Thank God we are on a two wheeler, तो यहाँ से easily हम लोग निकल जाएंगे। तो एक साथ दो गाड़ियाँ cross नहीं कर सकती हैं। So we just crossed this काठ गोदाम। ज़बरदस्त traffic था। अगर आप यहाँ पर दिल्ली स्टाइल में bike नहीं चलाओगे तो निकालना बहुत मुश्किल है। गोदाम तो यहाँ से दिख रहा है 5 hours and 20 minutes and will be reach as per Google by 5:17. The distance to go is 254 kilometers right from काठ गोदाम। मैं पीछे देखा था तो मुरादाबाद इस कितना 88 किलोमीटर दिख रहा था। रामपुर इज अबाउट 70, उदयपुर इज अबाउट 25। तो वी हैव डिसाइडेड कम से कम 1 घंटा और राइड करेंगे देन वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट। सो लेट्स सी। टारगेट टाइम तो 5 o'clock है तो आई थिंक हाईवे पे जाने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो वी विल रीच बाय 5 बिकॉज अभी 2-3 ब्रेक और लेने पड़ेंगे। तो लंच का भी ब्रेक है देन वी हैव अनदर शॉर्ट ब्रेक्स। सो वी जस्ट हिट रामपुर। यहाँ से वी स्टिल हैव टू गो 135 किलोमीटर और गूगल बोल रहा है विल टेक अनदर 3 hours 38 minutes टू रीच माई होम। सो यहाँ पीछे तो काफ़ी ट्रैफिक था रामपुर एंड ऑल भी डाइवर्जेंस भी थे दैन इट्स अ स्ट्रेट हाईवे। तो यहाँ पे आए हो विल नॉट मतलब स्टक अप एनी वेयर और इजीली पहुँच जाएंगे। टेम्परेचर इज बिट हाई है 40 degrees के आसपास है। थोड़ा टफ है राइडिंग बट स्टिल इट्स मैनेजेबल है। सुनाओ ये आ गया गढ़ मुक्तेश्वर। पानी है काफ़ी गंगा में यार, पानी है गंगा में काफ़ी यार। ये शिवा ढाबा कितने अनदर 72 किलोमीटर टू गो 1 hour 22 minutes 5:32 पहुंच जाएंगे हम 6:54। चलो गो से गुड बाय टू योर फ्रेंड्स। क्या सीन है, क्या कर रहा है? ओके बाय। चलो चलो वो ईपी से जा रहा है इधर से। ओके बाय। ओके ओके भाई सी यू भाई थैंक। चलो टेक केयर सी या। Let's go. So now it's up here 28 kilometers and 44 minutes. We'll reach by 6:52. So we 44 minutes and 28 kilometers. We are delayed by 2 hours. Oh my god, sixth gear. So far we cover 729 kilometers. तो गो में 28 और मतलब वी इट्स 800 किलोमीटर परफेक्ट राइड। Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Now don't rush, it's a little crush.